मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। ऐसे में अब विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि भी आगे जाकर मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। किसी को लेकर आदिवासी युवा शक्ति संगठन जय ने भी अब चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया है। इसको लेकर जयस ने चुनावी रणनीति को लेकर पत्रकारों से चर्चा की है। जयस का कहना है कि वह आने वाले चुनाव में विधानसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवारों को उतारने जाने की रणनीति पर विचार कर रही है। इसके लिए जयस के रणविजय सिंह भूरिया का कहना है कि वह गुना जिले की 4 में से 3 विधान सभा में अपनी आदिवासी संगठन के उम्मीदवारों को उतारने जा रही है। बहुत जरूरत है आज कि विधानसभा में जाने के लिए कुछ मुद्दे रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि ग्रेजुएट व्यक्ति पहुंचे विधानसभा में। तो स्वाभाविक सी बात है, गुना जिले से भी कैंडिडेट तैयार है। हम कम से कम ग्रेजुएशन को अपन देंगे, क्योंकि वर्तमान समय में कई ऐसे विधायक मंत्री है दसवीं वाले पास है और वो अपने जैसे संगठन या आदिवासी समाज से हैं, ऐसे बच्चे ग्रेजुएट हैं अपने जी मिल जाएंगे। और जयस में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे युवा साथी या जयस संगठन चलाते हैं और सबसे ज़्यादा उनका ही महत्व रहता है। आज हम सोशल मीडिया के हर एक जगह और हर एक मुद्दों पे चर्चाएं करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है जयस में हर एक ग्रेजुएट पढ़ा लिखा युवा साथी हमारे साथ। जयस का जो बहुमूल्य विधानसभा में हम लोगों को काफ़ी बाहुल्य है और काफ़ी बड़े स्तर प्रभावित भी करते हैं आप लोग, वो वहाँ पे ऐसा तो नहीं कि जैसे भी कुछ समय पहले आदिवासी जो विश्वासिवासी दिवस था, तो ऐसा तो नहीं कि बढ़ जाए या कुछ आगे? हाँ, उस दिन 9 अगस्त विश्वासिवासी दिवस जिस तरह से जो हमारा शक्ति प्रदर्शन था और जो 12 से 15 हज़ार सिर्फ युवा और आज के समय में देश का भविष्य युवाओं पर है, तो ऐसा कहीं नहीं लगता कि आदिवासी समाज भगोरी में या और किसी विधानसभा में बटेगा। चुनाव आते हैं, 100 सीटों का चुनाव लड़ने की पूर्ण तैयारी कर ली है, जिसमें लगभग 40 सीटों का नाम तय हो चुका है। इसी तरह गुना जिले के भी 3 विधानसभा पर जयस विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हमेशा आदिवासी और दलित वंचित लोगों का उपयोग हम देखते हुए आ रहे हैं 75 साल से, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही चाहे वो भाजपा की सरकार है, हमेशा आदिवासी दलित गरीब वंचित लोगों का शोषण किया जा रहा है। बेरोजगारी महंगाई और कई ऐसे मुद्दे हैं, इस पर आज सरकार न ध्यान दे रही है और न पहले भी दी थी। यह भाजपा की सरकार सिर्फ जुमले या झूठों की सरकार है, कई सारी योजना धरातल पर नहीं है। अभी की सरकार जैसे कि बंगोली विधानसभा में 22,500 करोड़ का विकास कराया करते हैं पंचायत मंत्री जी। कल परसों ही कुछ ऐसे खबर चली थी, कई जगह देख लो, कई सड़कें देख लो, आज भी सड़क बिजली पानी से वंचित है आदिवासी क्षेत्र। कई सारे मुद्दों को लेकर जयस विधानसभा चुनाव में लड़ेगी। 5वीं शर्त भी अनुसूचित के तहत धरातल में उतारा जाए, पैसा एक तो भी 6वीं अनुसूची की तरह लागू की जाए, ऐसे कुछ 18 मुद्दों पर जयस विधानसभा चुनाव लड़ेगी।